राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को दशहरे की शुभकामनाएं दी हैं। राष्ट्रपति कोविंद ने ट्विटर पर ट्वीट करते हुए कहा कि दुर्गा पूजा और दशहरा के शुभ अवसर पर देशवासियों को शुभकामनाएं। पूर्व मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल पर हमले की साजिश रचने में शामिल एक और खालिस्तान समर्थक की उग्रवादी को उत्तर प्रदेश के शामली जिले से गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने बताया कि करम सिंह नामक उक्त उग्रवादी को कल गिरफ्तार किया गया था। जम्मू कश्मीर के बारामूला जिले में कंट्रोल रेखा के नजदीक सुरक्षा बलों ने घुसपैठ की कोशिश को नाकाम करते हुए 3 आतंकवादियों को ढेर कर दिया। भगवान अयप्पा को दर्शन देने गई 2 महिलाएं सबरीमाला मंदिर के बाहर से वापस लौट आई हैं। महिला पत्रकार कविता जक्कल और महिला वर्कर रेहाना फातिमा दोनों भारी सुरक्षा में सबरीमाला मंदिर की ओर रवाना हुई थी और भारी विरोध के बाद दोनों को वापस लौटना पड़ा। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का कहना है कि आतंकवादी संगठन इस्लामिक स्टेट ने अमेरिका के समर्थन वाली सेना द्वारा काबू किए गए सीरिया के एक हिस्से से करीब 700 लोगों को बंदी बना लिया है और उनमें से कुछ की हत्या कर दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज महाराष्ट्र में स्थित शिरडी पहुंचे हैं। यहाँ वे साई बाबा समाधि के 100 साल पूरे होने पर चल रहे उत्सव की समाप्ति समारोह में शिरकत करेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने आज दशहरा के मौके पर राजस्थान के बीकानेर स्थित बीएसएफ सेक्टर हेडक्वार्टर में शस्त्र पूजा की। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में आज भी मामूली कटौती हुई है। पेट्रोल की कीमत में 24 पैसे और डीजल की कीमत में 10 पैसे की कमी की गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा आजकल अपने प्रवास बिलासपुर आए हुए हैं। इस मौके पर उन्होंने कहा कि बिलासपुर में बनने वाला एम्स 2021 में बनकर तैयार हो जाएगा। नाना पाटेकर ने सिंटा को तनुश्री दत्ता की शिकायत के आधार पर उन्हें भेजे गए नोटिस का जवाब दिया है। अपने जवाब में उन्होंने अपने ऊपर लगाए गए आरोपों को गलत और आधारविहीन बताया। साथ ही नाना ने कहा कि वे तनुश्री के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेंगे।